भाभी आप तैयार है ना? मैं तो बिल्कुल तैयार हूँ। मुन्ना तैयार हो रहा है, कोर्ट से उनका फोन आया था, वो किसी वकील के शमशान यात्रा में गए हैं, उनके आते ही हम लोग चले चलेंगे। भाभी तो एक काम कीजिए ना, मेरे लिए एक गर्मा गर्म कप चाय बना दीजिए, मैं अभी नहा के तैयार होकर आता हूँ। जाओ। थैंक यू भाभी। ज्वाला जी घर पे हैं, उनसे केस के सिलसिले में अर्जेंट बात करनी है। हाँ हैं, जाइए अंदर। ज्वाला साहब अंदर हैं? हाँ हैं, आइए। आप लोग यहाँ बैठिए, मैं साहब को बुलाता हूँ। अरे रामू, साहब को टॉवल दो। कौन थे साहब? कोई पुलिस वाले और वकील थे। पुलिस वाले वकील थे? इस तरह हमारे तन मन के टुकड़े हमसे हमेशा के लिए जुदा हो गए। ना हम रो सके और ना ही हम टूट सके। इंतकाम के जलते हुए शोले और उन दरिंदों की मौत का मकसद अपने सीने में लिए हम आज तक जी रहे हैं। और जब उन हथियारों का असली रूप हमारे सामने आया तो तुम्हें दिलवाई हुई सजा हमें हमारा एक भयानक जुर्म लगा। नीलम को मारकर उन्होंने तुम्हारी बेगुनाही के सबूत तो मिटा दिए, मगर तुम्हारी ताकत और नफरत से घबरा गए और इसलिए तुम्हें जेल से बाहर लाकर खत्म कर देना चाहते थे। क्या? जब हमें ये खबर मिली तो तुम्हें बचाकर हम यहां ले आए, जिसे हमने अपनी भूल का प्रायश्चित समझा। तुम्हारे बाद उनका निशाना थी संगीता, हमने वो निशाना भी नाकाम कर दिया। और ये नहीं अर्जुन, उस रात जिस पायलट ने तुम पर जानलेवा हमला किया था वो भी महाकाल का आदमी था। अगर हम वक्त पर गोली न चलाते तो अपने आप को हम जिंदगी भर माफ नहीं कर पाते। मैं आपको कितना गलत समझ बैठा, मुझे माफ कर दीजिए। अर्जुन, संगीता सीने पे इतना बोझ लिए कैसे जीते आप? सिर्फ उन दुश्मनों को खत्म करने के लिए। अर्जुन, तुम्हारे सीने में बदले की आग और हमारी छाती में इंतकाम का तूफान। तुम्हारे पास ताकत है, हमारे पास ताकत और दिमाग दोनों। हम दोनों मिलकर चाहें तो उन पापियों से युद्ध लड़ सकते हैं जैसे कृष्ण अर्जुन ने कौरवों से युद्ध लड़ा था। हम वो कृष्ण अर्जुन तो नहीं बन सकते, लेकिन उन्हीं की तरह हम अपने जीवन की महाभारत का ये युद्ध इस कलयुग में लड़ सकते हैं। वहां कौरवों का खात्मा हुआ था और यहां कातिलों का खात्मा होगा।
और इंतकाम की इस जंग में यह अर्जुन मरते दम तक आपके साथ रहेगा। दास, क्या बोलती है तुम्हारी किताब? अब की बार लंदन की ट्रिप में किसको भेजें? लिखते ही रहोगे, कुछ बोलोगे भी। अरे भाई बताओ ना, कौन है इस ट्रिप का लकी नंबर? लकी नंबर वाला एक ही है, डिसूजा। मैं? हाँ तुम, क्योंकि तुम पैदा हुए 1 जनवरी को, और जिस दिन हमारी मंडली को ज्वाइन किया उस दिन भी तारीख थी 1 जनवरी, और लंदन जाने की जो तारीख फिक्स हुई है वो भी है 1 जनवरी, यानी के 3/1। सीधी सी बात है महाकाल जी, 3/1 को कौन मार सकता है? अपुन का नाम भी जॉन डिसूजा है ना ब्रिदास। अपुन जिंदगी कभी घबराता नहीं, चाहे वो मैदान घोड़ा का हो या मौत का। महाकाल बताओ अपुन को करना क्या है? दिल का इलाज कराने के लिए तुम यहां से लंदन जाओगे। लंदन में हमारा डॉक्टर तुम्हें एक ऐसा इंजेक्शन देगा जो तुम्हें 10 घंटे के लिए बेहोश कर देगा। दुनिया के नजरों में तुम मर चुके होगे, मगर तुम्हारी लाश 5 करोड़ की हशीश लेकर बंबई वापस आ जाएगी। और तुम वापस बंबई में आकर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 समझ गए ना, फिट हो जाओगे। लेकिन यार महाकाल, नीलम को तो हम लोगों ने मार डाला है, अब डिसूजा की लाश को इसकी विधवा पत्नी बनकर रसीव कौन करेगा यार? बहादुर सिंह, नीलम जैसी 2 कौड़ी की लड़की के मर जाने से महाकाल का धंधा बंद नहीं हो जाता। जसवंत, हमारे क्लब में नीलम की जगह पर जो सिंगापुर से डांसर आई है वो कैसी है? खबरदार, अगर किसी ने यहां से हिलने की कोशिश की तो मिस नीना, यू आर अंडर अरेस्ट। आतंकियों का मतलब जानते हो? जानता हूँ, सावधान, होशियार, खबरदार। फिर इस तरह ये सिगरेट जलाने का मतलब? मतलब है तुम्हारी बहादुरी और चालाकी से। एक काम के लिए मुझे तुम्हारी जरूरत है। मेरा नाम नीना निंजो है, बिना कीमत के कोई काम नहीं करती। कीमत तुम्हारी, काम हमारा। काम क्या है? उसके लिए तुम्हें हमारे साथ चलना होगा। कहाँ? जहाँ हम कहें। हेलो सर, मैं संगीता बोल रही हूँ। आपका प्लान कामयाब हो गया है, महाकाल ने मुझे अपने गैंग में शामिल कर लिया है। गुड, वेरी गुड। एक खास खबर है, कल रात को डिसूजा नाम का आदमी लंदन जाएगा और 10 तारीख को कॉफिन में वापस आएगा, लेकिन मुर्दा नहीं, जिंदा। डिसूजा की मौत का नाटक हमें पसंद आया, मगर ताबूत में जो एक बार लेट गया फिर हम उसे उठने नहीं देते। मौत की डायरी में डिसूजा का वक्त 10 तारीख मुकर्रर कर दिया गया है, लेकिन संगीता तुम फिर भी होशियार रहना। ओके सर। Thank you.
इसे नीचे रखो। आउट। क्या है इसमें? इसमें हमारे हस्बैंड का डेड बॉडी है। लंदन गया था, वहां हार्ट फेल हो गया। खोलो इसे, मैं देखना चाहता हूं। मेरे भाई के कातिल, आज मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा तुझे, नहीं छोड़ूंगा।